आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, जिनका पहले आ रहा था और पैसा आते आते अचानक रुक गया है, और उनका बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटीओ प्रोसीड नो का प्रॉब्लम शो करने लगा है, और स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट और रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम जितने भी किसानों का बेनिफिशियरी में शो करा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ऐसे किसान है जिनका कहना है कि मेरा बेनिफिशियरी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी स्टेटस पर मेरा यहाँ पर लैंड सेडिंग एस लिखा हुआ और ईकेवीसी भी एस है और अगर एनपीसीआई भी एस है, यहाँ पर सब कुछ सही है, फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम शो कर रहा, यहाँ पर स्टॉक पेमेंट का प्रॉब्लम शो कर रहा, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आपका जो ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, ये प्रॉब्लम किस कारण से शो कर रहा और आप अपना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बैंकिंग रिलेटेड और पीएम किसान योजना रिलेटेड वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसका प्रॉब्लम जानने के लिए आपको क्या काम करना होगा, तो आपको इस लिंक पर आना होगा, इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना प्रॉब्लम को देख सकते हैं और उसके बाद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं तो आप यहाँ पर पीएम किसान पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पर यहाँ पर दो ऑप्शन शो करा, यहाँ पर पेमेंट और यहाँ पर देख पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन यहाँ पर शो करा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो कि यहाँ पर अप्लीकेशन आई डी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा, आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर आपको ये कैप्चा को फिलअप कर देना होगा, फिलअप करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाए बेनिफिशियरी डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर शो करा, आपका यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर खुल के आ जाएगा, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर खुल के आएगा, उसके बाद आपका नाम यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर शो करेगा, जो कि आपका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर शो कर रहा, और यहाँ पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी आप बैंक अकाउंट दिए होंगे वो आपका बैंक यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा लास्ट रिक्वेस्ट आपका कब सबमिट हुआ है, मतलब यहाँ पर देख पर 2021 में आपका लास्ट सबमिट हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दिया गया, और यहाँ पर देख पर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब आपका बेनिफिशियरी का जो स्टेटस है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। इस कारण से रिजेक्ट किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पर ईरो डिस्क्रिप्शन के जगह पर इसके सामने में आपका ये प्रॉब्लम शो करा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा पहले यूनियन बैंक में आ रहा था, उसके बाद यूनियन बैंक को पीएम किसान सम्मान निधि मतलब एनपीसीआई के द्वारा वेरीफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए जो है कि यहाँ पर रिजेक्ट का प्रॉब्लम शो कर रहा। तो आपको क्या काम करना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको दूसरा बैंक में एनपीसीआई लिंक करना होगा, या आपको उसी बैंक में जाकर आपको एनपीसीआई लिंक करना होगा। अगर आप उस बैंक में बार बार एनपीसीआई कर रहे हैं और आपका एनपीसीआई एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आपका बार बार रिजेक्ट का ही प्रॉब्लम शो कर रहा और पीएम किसान योजना की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आपको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आपका प्रॉब्लम जो भी आया होगा वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिजेक्ट ड्यू टू नो रिस्पॉन्स रिसीव बैंक फ्रॉम विद इन ए स्पेसिफाइड, बैंक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम तब से लेकर अब तक शो कर रहा, और पीएम किसान योजना का पैसा एनपीसीआई के ही कारण आपका अकाउंट में नहीं आ रहा। जब तक आप अपना बैंक में एनपीसीआई लिंक नहीं कराएंगे तब तक पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। तो जैसे ही आप बैंक में जाकर एनपीसीआई लिंक एक्टिव करा लेते हैं या आप दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें एनपीसीआई लिंक एक्टिव करा लेते हैं, उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम शो कर रहा है एफटीओ प्रोसीड नो का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपका यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपका पीएम किसान योजना का पैसा आने का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पर स्टेट लेवल से इनका पेमेंट रुका गया है, जैसे ही पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन चालू कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख पर एफटीओ प्रोसेस नो का प्रॉब्लम शो करा, ये एफटीओ प्रोसेस एस हो जाएगा। एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, जब तक आपका बैंक में एनपीसीआई लिंक एक्टिव नहीं होगा फंड ट्रांसफर ऑर्डर करने का जो प्रोसेस ये चालू नहीं किया जाएगा। और ऐसे भी किसान है जिनका कहना है कि मेरा बेनिफिशियरी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है और एफटीओ प्रोसेस नो का प्रॉब्लम शो करा, ये क्यों शो करा है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ सही है तो इसलिए यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस नो का प्रॉब्लम शो करता है। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपका अकाउंट में रिलीज करने का प्रोसेस चालू किया जाएगा उस टाइम एफटीओ प्रोसेस यहाँ पर यस लिख के आ जाएगा। अगर आपका बेनिफिशियरी में सब कुछ सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेनिफिशियरी में अगर एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पीएम किसान योजना का पैसा जब रिलीज किया जाएगा ऑटोमेटिक आपका यहां पर एस में बदल जाएगा और आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो वीडियो का चला गया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।